गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे चेक पॉइंट 15.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दिया है और साथ ही साथ इसका इंट्रोडक्शन भी हमने सॉल्व कर दिया है, दिखा दिया, ठीक है। और जो इससे पहले का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है सब। देखिए क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 462 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, कैसा प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है। देखिए इस तरह का एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है और इसका लेंथ भी दिया हुआ है। दो चीज यहाँ पे, एरिया भी है और लेंथ भी है, और हम लोग को क्या खोजना है, इसका पेरीमीटर खोजना है। क्या खोजना है, पेरीमीटर। तो देखिए जो चीज खोजना है पहले उसको टारगेट कीजिए कि हमें क्या चाहिए। जब तक जो खोजना है अगर उसके बारे में नहीं पता रहेगा तो आप कैसे खोज पाओगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे निकालना है पेरीमीटर, मतलब हमें निकालना है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर प्लॉट निकालना। और पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो जब तक हम लोग लेंथ नहीं निकाल पाएंगे, ब्रेथ नहीं निकाल पाएंगे, तब तक हम लोग पेरीमीटर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो चीज निकालना उसके बारे में सोचना है कि उसमें क्या क्या चाहिए। हमें पेरीमीटर निकालना, तो पेरीमीटर के लिए लेंथ और ब्रेथ चाहिए। अब देखना है वो चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है या नहीं। तो देखिए क्या है, सो द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एरिया। एरिया कितना दिया हुआ, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है और वो कितना दिया, 462 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक। और साथ ही साथ इसका लेंथ भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, लेंथ। और लेंथ कितना है, 28 मीटर। तो देखो यहाँ पे लेंथ का जरूरत है, इस जगह पे लेंथ का जरूरत है जो तो ऑलरेडी दिया हुआ है। मतलब अब हमें एक चीज और खोजना होगा, वो क्या खोजना होगा, वो ब्रेथ खोजना होगा। और ब्रेथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखो अब हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है कि यही दोनों में से ब्रेथ निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बोलो, हम लोग जानते हैं एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। जब रेक्टेंगल में रहेगा तो एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। हम लोग क्या जानते हैं, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, प्लॉट इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दिया हुआ 462 दिया हुआ है और लेंथ हमारा दिया 28, यहाँ से ब्रेथ निकाल देंगे, ठीक। तो ब्रेथ इक्वल टू क्या होगा, तो ब्रेथ इक्वल टू होगा 462 बाई 28 हो गया। अब अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 7 से कैंसिल कर देते हैं, 7 × 6 = 42, उधर 4 आ गया, 7 × 6 = 42, फिर 7 × 7 = 28, देखो कैंसल हो गया 7 से। और फिर कुछ कैंसल होने का चांस है क्या, 7 से तो कर दिए, 7 × 6 = 42 हो गया, फिर उधर 7 × 6 = 42, अच्छा 2 से करते हैं तो ये 33 हो जाएगा और 2 से 2 होगा, तो 33/2 आ जाएगा। मतलब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 16.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16.5 आ जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू को यहाँ पे रख दो, हमें पेरीमीटर निकालना है, तो ये 2 हो गया और लेंथ हमारा कितना था, 28 था प्लस 16.5 है, 16.5 है। अब इसको ऐड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 28 × 2 = 56 हो जाएगा प्लस 16.5 है, उसको 2 से इंटू कर देंगे तो 33 आ जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो 639 हो गया और 5 × 3 = 89 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया।